में जो बुजुर्ग लोग हैं जो उनके लिए ई रिक्शा की फैसिलिटी है पिक एंड ड्रॉप के लिए, साथ ही साथ हमने पोलिंग स्टेशन पर व्यवस्था कर रखी है पानी की, हीट वेव के लिए क्रेश बना रखा है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। राजधानी दिल्ली की 7 सीट पर कल चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नई दिल्ली से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ईशा जी। मैम बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद मैम। कल चुनाव है, 7 सीट पर वोट डाले जाएंगे, क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? कल चुनाव है, आज आप देख रहे हैं जैसा कि हम पोलिंग पार्टीज को आज ही भेज रहे हैं P-1 डे पर जाकर अपना पोलिंग स्टेशन सेटअप करेंगे, साथ ही साथ हमने पोलिंग स्टेशन पर व्यवस्था कर रखी है पानी की, हीट वेव के लिए क्रेश बना रखा है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। हमारे यहाँ पर हमारी टोटल 1489 हमारी जो है पोलिंग पार्टीज़ हैं, 250 पार्टी हमारी रिजर्व में है ताकि अगर किसी को कल कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम रिजर्व से उसको दे रखें। तो हमने मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की अच्छी तैयारी कर रखी है ताकि कल जो चुनाव है हमारे स्मूथ हो। गर्मी का भी माहौल है और कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो चलने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? हमने जो बुजुर्ग लोग हैं जो उनके लिए ई रिक्शा की फैसिलिटी है पिक एंड ड्रॉप के लिए, साथ ही साथ जब वो पोलिंग स्टेशन में आएंगे तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनको पहले वोट करा दिया जाता है और हमने वेटिंग एरिया बनाए हुए हैं, व्हील चेयर की व्यवस्था है वहाँ पर, ठंडे पानी की व्यवस्था है, ORS की व्यवस्था है ताकि किसी भी बुजुर्ग को या महिला को या किसी भी हमारे नागरिक को परेशानी ना हो। मैम सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो चल रही है जिसमें एक व्यक्ति है वो 8 बार वोट डाल रहा है, तो अगर ऐसा कोई केस आता है तो क्या कुछ इसका प्लान है कि किस तरह से प्रूफ किया जाए वो वोटर आईडी कार्ड सही है कि नहीं है? हमने इसके लिए भी हमारे सारे पोलिंग जो पर्सनल है उनको ट्रेन कर रखा है और साथ में वहाँ पे पुलिस कर्मी भी होंगे कि जो कोई भी हमारा जो व्यक्ति है वो उसका पहचान पत्र देखकर ही अंदर लाएं और एक व्यक्ति का फिंगर भी ज़रूर चेक करें कि फिंगर के ऊपर एक बार इंक लग गई तो दूसरी बार उसको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कल चुनाव है और जो क्षेत्र की जनता है, देश जो दिल्ली की जनता है, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, लोग घर से निकलने में थोड़ा कतरा रहे हैं? ये सभी नागरिकों से हमारा अनुरोध रहेगा कि कल आकर, एक ही दिन है जिस 5 साल में एक बार आता है, आकर वोट करें, अपने अधिकार को व्यर्थ ना जाने दें, अपना अधिकार जो है एक्सरसाइज करें। तो ये थी हमारे साथ ईशा जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि कल जो चुनाव का दिन है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोलिंग बूथ पर पहुँचे और अपने मत का अधिकार जिस तरह दिया गया है उसको पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन वैभव कुमार के साथ में संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।